मैं सरपंच पलाहलम ई से, सदरबल पलाहलम ई से, कल यहाँ पे जो वाका पेश आया आपने यहाँ मस्जिद शरीफ में, वो एक बेबुनियाद था, मतलब बेबुनियाद एलिगेशन थी मुझ पर। वो जो बंदा है, मतलब वो दो चार बंदे ऐसे हैं कि उस परिवार के, वो मेरे खिलाफ है, अगेंस्ट है। मतलब जब से मैं सरपंच बना हूँ तब से अगेंस्ट है वो लोग। असल में वो लोग जो है, उसका बाप जो है 2010 में डिप्टी सरपंच था, तो उस कारण वो सब कुछ जो भी आ रहा था, चाहे आरजी डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी भी जो भी दे रहा था, व्हाटएवर जो भी, मैंने परसों उसका एक देखा इधर अपने एग्रीकल्चर में, तो 8 लाख के करीब उसने कुछ सब्सिडियां पाई है, केवल अपने लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं है। और बाकी आरजीडी की तरफ से जो मैंने देखे कुछ 5 कामें ऐसे जो उसने अपने घर में लगाए, जैसे उसने वो आरवल वगैरह वो भी घर में ही दिया, जैसे वो ड्रेन वगैरह वो भी घर में ही दिया, और एक बाग था उसका उसमें भी वही दिया। तो इस हिसाब से ये लोगों को कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। बाद फिर लोगों ने 2020 में मुझे चुना, तो मैंने आगे बहुत सारी काम, एक साल में मैंने बहुत सारी डेवलप की है। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि एक, मतलब जो आगे अपना हो वो इतना कर पाएगा जितना मैंने किया। अब ये बंदा मुझसे जल रहे हैं, तब से मुझसे जल रहे हैं ये, मतलब बहुत ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे, बहुत सारे एलिगेशन चाहते हैं कि मुझ पर लगा रहे हैं। या हता कि कल आप लोगों ने देखा होगा कि मस्जिद में मैं उसको इतना ही समझा रहा कि भैया ये ठीक नहीं है, आप बैठ जाओ, बाकी ये जो वो दिखा रहा है शर्ट वगैरह दिखा रहा है, ये ऐसे ऐसे करके इसको ऊपर कर रहा है, तो उसी हिसाब से वो कट जाती है। बाकी मैं उसको यही विनती कर रहा था कि भैया ये मस्जिद है, यहाँ पर नमाज पढ़नी है, आप बैठ जाओ, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो इस सभी लोगों ने देख के भी फिर भी कमिट गलत की है। बाकी ऐसे हम लोग नहीं है सरपंच, इतना ख़राब भी नहीं होते जितना लोग समझते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, लोगों के लिए काम, ये पलाहलम को भी पूरी, पलाहलम को पता है कि नहीं, इस सरपंच ने यहाँ पे अपनी इस एरिया में कितनी डेवलप करवाई है इस। और सर मैं आपसे कहूँ कि मतलब मैं आपको ये भी दिखाऊँ, आप थोड़ा इसको शो करना, ये क्यों बार बार मुझसे छिड़क रहा है। मैंने इसका और एक ये वीडियो ये किया है, ये मतलब निकाला है इसका ये प्रोपेगेंडा। ये असल में अपनी जो ये मनरेगा है, मनरेगा की तरफ से एक बेरोज़गार को 100 दिन की रोज़गार मिल रही है, 100 दिन की रोज़गार, 100 दिन वो काम कर सकते हैं, वो लेबर काम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसको डेली इसमें से, मैं आपको दिखा रहा हूँ, डेली इसमें से पैसे जा रहे हैं। मैं अभी ये आपको दिखा रहा हूँ, ये गुलजार अहमद सोफी नामी, डेली इसको पैसे जा रहे हैं। मगर ये अपने यहाँ डॉक्टर लालपत लैब चला रहा है अपने यहाँ मार्केट में, तो ये वहाँ भी चला रहा है, वो चला रहा है। तो मैंने ये बंद करवाया, ये नरेगा मनरेगा की जो पैसे इससे आ रहे हैं आजकल, ये मैंने थोड़ा बंद करवाया कि भाई ये लालपत लैब चला रहा है, न कि ये मज़दूर है, न कि ये अपनी ये काम कर रहा है। पर इस हिसाब से ये जलन, इसका भाई एक है, ये अपना GRS है, वो पटन ब्लॉक में GRS है, तो उस के आधार पे ये लोग सब कुछ इसमें मिल बांट करके खाना चाहते हैं। तो इस खिलाफ़ मैं हूँ, इसके खिलाफ़ मैं अगेंस्ट में खड़ा हूँ। मतलब बहुत कोशिश की मैंने कि नहीं, इनको मैं थोड़ा ये सिखाऊँ, इनको मैं दिखाऊँ कि नहीं, रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, कानून क्या है, कैसा करना है। तो ये है, बाकी मेरे ख्याल में इसको, मतलब मेरे ख्याल में ये, मैं अगर मैं अपनी बात करूँ, उधर ये टेस्ट कर रहा है लोगों को, इधर अगर देखूँ मैं तो यहाँ ये मेरे से ये अपने यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ RDD से पैसे ले रहे हैं कि मैं नरेगा का, मैं एक बेरोज़गार हूँ, नरेगा काम कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से मैंने इस पर थोड़ा आवाज़ उठाई, तो इसने मुझे उछाला, इसने मुझे बदनाम कर रखा है। बाकी उधर कोई आई विटनेस भी थे मस्जिद में, हम 2-4 लोग थे उस टाइम, मैं ऑलरेडी बैठा था मस्जिद में, तो ये आया, ये ऐसे मुझे आँखें वगैरह दिखा रहा है, इससे पहले भी इसने दिखाई है, ये बहुत सारे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो बाकी मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ से कोई इसमें कोई जाति या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने मतलब अभी ये वीडियो जो मैं वायरल कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कल जैसा इसने ये वाका मेरे साथ मस्जिद में किया, इसने गला भी पकड़ा है मेरा, पर फिर भी मैंने इसको समझाया, भैया ठीक है, था कि मैं इस साइड बैठा था, ये उस साइड मस्जिद के उस कोने से आया यहाँ तक, मेरे यहाँ तक हमला कर रहा था, मेरे पे यहाँ वार कर रहा था। तो मगर फिर भी मैंने उस पर उतना तवज्जो नहीं दिया। बाकी मैं मजबूरन मुझे ये प्रेस रिलीज़ अभी देनी पड़ी, इसी चक्कर में देनी पड़ी कि नहीं, ये मेरा इज्जत, ये मेरा इमेज छीन रहा है, कि ये छीनने की कोशिश कर रहा है, ये चाहता है कि नहीं ये बदनाम हो। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। बाकी मैं इसका पोल खोल रहा हूँ, इसकी ये सारी डिटेल्स दिखा रहा हूँ कि ये लोग, इनने क्या क्या किया है आज तक अपने यहाँ। इसका बाप था डिप्टी सरपंच, यहाँ बाप था इसका, तो इसने सारा हड़प लिया था, अभी तक इसने सारा हड़प लिया था। तो इस हिसाब से 2020 ने लोगों इसी खिलाफ मुझे चुना है, ताकि मैं कंटेस्ट सरपंच हूँ, लोगों ने मुझे चुना है, इसी हवाले से चुना है कि नहीं ये इनके खिलाफ थोड़ा काम करे, कार्रवाई करे। बाकी सर मैंने इतना सारा किया है, आज मैं थोड़ा इनकी ये पोल खोल रहा हूँ, अभी मैंने ये दिखाया आपको, ये मनरेगा की
तहत इसको अभी भी पैसे जा रहे हैं, वो मैंने रोकने की कोशिश की, हत्या कि उधर डॉक्टर लाल पतलेब चला रहा है। तो इस हिसाब से मैं थोड़ा आगे अपनी SSP बारामला साहब उससे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मेरी, इसने मेरी इमेज ख़राब की है लोगों में से, ये लोगों में से मुझे बदनाम कर रहा है और आगे से भी। हत्या कि यहाँ की अगर मैं देखूँ कि यहाँ फौज, अगर आर्मी की मैं बात करूँ, आजकल आर्मी क्या है कि इनका भी एक अपना कानून है, ये मतलब वो सलेंडर्ड मिल्टेंट है, जो सलेंडर्ड मिल्टेंट है उनकी मतलब देखते हैं, उनके घरों को जाते हैं कि वो सर्वे करते हैं कि भाई किस में कौन सा था, कब मरा गया या क्या कब सिलेंडर हुआ। तो ये पलहालन में हर एक जगह, पलहालन में क्या पूरी वैली में ऐसा चल रहा है। तो इस बंदे ने उसमें से भी मुझे उछाला कि इसके बाप ने और इसने भी कि नहीं ये सारा सरपंच करवा रहा है, बाकी मुझे आप लोग बताइए बराई मेहरबानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो हम नहीं ना। ये इस हिसाब से मुझे भी टॉर्चर कर रहा है लोगों में से कि ये बार बार ऐसा करा है। दूसरा कि अभी कल ही एक बंदा आया था कि भैया आपने मेरा ये BPL कार्ड, जो ये राशन वगैरह मिल रही है वो आपने काटा, हत्या कि सरपंच एक को उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो सर्वे जो कर रही है वो अपनी ये क्या कह रही है पटवारी और अपना ये TSO वो कर रहा है, उस हिसाब से कर रहा है, अभी तक सरपंच को पता नहीं है। फिर मैंने उसको कहा, फ़ोन किया आगे, TSO साहब को फ़ोन किया या वो जो राशन दे रहा है उसको फ़ोन किया कि भैया मैंने कौन सा कार्ड कटा, क्या कोई नहीं। फिर वो बंदा वहाँ गया, उसका कार्ड कटा नहीं, मगर इसने तब भी वहाँ से भी बंदा किया कि नहीं सरपंच ने 20 कार्ड ये BPL के कटवाए। तो इस हिसाब से ये मेरी इमेज ख़राब करना चाहता है, पूरे गाँव में इसने मुझे बदनाम कर रखा, गाँव में क्या पूरे वैली में बदनाम कर रहा, लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों से आपने थोड़ा जानना था कि सही क्या है गलत क्या है, बाकी ये मेरी मतलब बहुत सारे एलिगेशन इससे पहले भी लगा चुका है, पर कल इसने क्या किया कि वीडियो थोड़ा अपलोड किया, उसमें भी मैं इसको समझा रहा हूँ भैया ये ठीक नहीं, आप साइड में रहो बैठ जाओ। बाकी जी शुक्रिया।